नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बंसल, फरीदाबाद के जाने माने चिकित्सक। आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि अब मेट्रो हॉस्पिटल से भी बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं देने का कार्य करेंगे डॉक्टर बंसल। इन्होंने खरीदा है QRG हॉस्पिटल नीलम फ्लाईओवर अदरौंदा वाला। इनसे विस्तार से जानेंगे कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और हॉस्पिटल नया हॉस्पिटल लेने की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो मैं पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अनिल जी का, अनिल राय जी जो QRG हैवल ग्रुप के CMD हैं। उन्होंने मुझे अलाउ किया इस हॉस्पिटल को परचेज करने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं CM साहब जो हैं, हमारे ऑनरेबल CM साहब, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और उन्होंने भी, उनके ब्लेसिंग से आज ये सब हो पाया है। अच्छा, मेरा इसमें क्या है कि मैं शुरू से ही जब आया था फरीदाबाद, तब मैं पहला हरियाणा का पहला क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट था। तो मेरा मन बड़ा था, मैं क्योंकि बिलोंग करता हूँ हरियाणा को, मेरा जन्म जो है भिवानी में हुआ था, तो मुझे शुरू से ही हरियाणा से लगाव था। तो DM कार्डियोलॉजी करने के बाद, अमेरिका से जो है एक्सपीरियंस और जर्मनी से एक्सपीरियंस लेने के बाद, मैंने हरियाणा को ही चुना अपने कैरियर के लिए। और 94 से जब मैंने एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था, वहाँ ज्वाइन किया था, वहाँ 8 साल काम किया। फिर मेट्रो सनफ्लेक के बेसमेंट में, आपको पता है, 8 साल काम किया। फिर मैंने और डॉक्टर लाल ने मिलके मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी बनाया, जो आपको सबको पता है, वो मैंने 10 साल चलाया। उस अब ये QRG टेक ओवर करने के बाद, मेरा जो आगे मेरा जो मन है, उसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे फरीदाबाद के लोगों ने बड़ा प्यार दिया, उनसे मुझे बड़ा विश्वास मिला, उन्होंने मुझे बहुत हर तरीके से सपोर्ट किया। फरीदाबाद के डॉक्टर्स ने भी मेरे से एंजियोप्लास्टी कराई, अपने डॉक्टर्स के पेरेंट्स की एंजियोप्लास्टी मैंने करी। इंटरनेशनल लोगों ने, जो बाईपास नहीं कराना चाहते थे, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल मरीज मेरे पास आए, जो उन्होंने कहा कि हम बाईपास नहीं कराएंगे, चाहे हम मर जाएं। तो हमने एंजियोप्लास्टी से भी उनको, एक एक पेशेंट में किसी की एक ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनमें हमने ब्रेन की, किडनी की और हार्ट की एंजियोप्लास्टी सारी करी, पर वो बाईपास नहीं कराना चाहते थे, तो एंजियोप्लास्टी से काम चलाया। तो पर इसमें जो कॉस्ट फैक्टर था, वो हमेशा बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर काफ़ी महंगे थे। मेरा अब जो मन है वो ये है कि मैं फरीदाबाद के लोगों के लिए सस्ता इलाज उपलब्ध कराऊं, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का सस्ता इलाज। यानी मेरा मन ये कहता है कि मैं डिस्काउंटेड सर्विस, पहले 3 महीने तो मैं 50% डिस्काउंट दूंगा अपने सभी पेशेंट्स को, जो मेरे को इतने सालों से मेरे ऊपर विश्वास जिन्होंने किया है, उनको मैं 50% डिस्काउंट पे देखूंगा। मैं उनके सारे टेस्ट भी मार्च 31 तक 50% डिस्काउंट पे कराऊंगा। ओपीडी में भी डिस्काउंट देंगे 50%, सारे इन्वेस्टिगेशंस पे भी 50% डिस्काउंट देंगे, और इवन एंजियोग्राफी में भी, जिसको एंजियोग्राफी की जरूरत है उसमें भी 50% डिस्काउंट देंगे। तो सर, एक सवाल तो है फरीदाबाद के लोगों के, और शायद आपके मन में तो हो गए होगा। जी, जी। आपने एक बच्चे की तरह बड़ा किया मेट्रो हॉस्पिटल को, 10 साल आपने मेहनत की, इतना बड़ा किया, नाम किया पूरे NCR वर्ल्ड में, नाम हिंदुस्तान में तो कम से कम नाम आपने किया। जी, जी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो छूट जाना दुख भी होता होगा। जी जी, नहीं, उसका बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस हॉस्पिटल को जमीन लेने से लेके बनाने तक सारी मेहनत जो है पिछले 10 साल की, पर उस मेहनत से हमने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करी फरीदाबाद के लोगों के लिए, और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो फरीदाबाद में क्रिएट कर दी हमने। अब उसके बाद मुझे आगे भी और अच्छे काम करने हैं, मैं और चाहता हूँ कि और अच्छी सुविधाएँ फरीदाबाद के लिए मैं तैयार करूँ, और अच्छा हॉस्पिटल पैदा करूँ, और अच्छी सेवाएं सस्ते रेट पे दे सकूं। जो मेट्रो के, हमारे मेट्रो हॉस्पिटल में जो रेट्स थे हर एक टेस्ट के, हर एक प्रोसीजर के, OPD के, मैं उससे सस्ता काम अब करना चाहता हूं। सर्विसेज तो, एक्सपीरियंस तो मुझे अब 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया एंजियोप्लास्टी का, और हॉस्पिटल चलाने का, और मेडिकल फील्ड का मुझे 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब मैं बहुत, ज़िंदगी में लोगों ने मेरा साथ दिया, भगवान ने बड़ी कृपा करी, भगवान की कृपा से मुझे किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, मैंने सफिशिएंट कमा चुका हूँ, और मेरा मैं अब लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, QRG हॉस्पिटल है, इसका नाम चेंज होगा या यही नाम रहेगा हॉस्पिटल का? नहीं, QRG का नाम चेंज होगा, और इसका नाम हम रखेंगे SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और हमारा ब्रांड SSB होगा। SSB आपका ब्रांड होगा जी। एक कोई अपील करना चाहेंगे कि
आपने चिकित्सा के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से फरीदाबाद के लोगों का, दिल्ली एनसीआर के लोगों का दिल तो जीता ही है। जी जी अब कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से, फरीदाबाद के लोगों से? मैं फरीदाबाद के लोगों से इस समय तो जो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट अपील है वो यही करना चाहूँगा कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड के बहुत मरीज आ रहे हैं, आप मास्क लगाना, क्योंकि अब मास्क लगाना जो है, जब भी आप मार्केट में जाएं, भीड़ में जाएं, पब्लिक में जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसको कोविड इन्फेक्शन होने की थोड़ी सी भी संभावना है, आपने अपना मास्क लगाना नहीं भूलना। और उसके अलावा अगर कोविड हो भी जाए तो घबराना नहीं है, कोविड के 98% लोग हमें ठीक हो जाते हैं। पर दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने जब अभी क्योंकि पोल्यूशन बहुत है, ओपन में अभी सैर करना भी थोड़ा डेंजरस है, तो मैं चाहता हूँ इंडोर रह के ही योगा करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी खुराक खाएं और स्वस्थ रहें। मैं फरीदाबाद के लोगों के स्वास्थ्य की कामना, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जी धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सभी ने सुना, फरीदाबाद से जाने माने चिकित्सक डॉक्टर एस एस बंसल, उन्होंने कहा है कि जैसा 30 वर्ष से लोगों ने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया है, उसी तरीके से मैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देता रहूंगा फरीदाबाद के लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को, और मेट्रो हॉस्पिटल से 50% कम डिस्काउंट में आप सभी को बेहतर ओपीडी हो, कोई अन्य सर्जरी हो या किसी तरीके का इलाज हो, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और फरीदाबाद का ब्रांड होगा SSB, जैसे कि मेट्रो कभी हुआ करता था, डॉक्टर बंसल की सारी मेहनत मेट्रो को खड़ा करने में, इसी तरीके से अब SSB होगा, खुद का होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर बंसल का ये भी कहना है कि जब दो लोगों के हाथ में कोई चीज़ होती थी, एक का हाथ दबा हुआ होता है, अब मैं फ्री एंड सस्ते में इलाज कर पाऊंगा लोगों को, जो मेरी मन की बहुत समय से इच्छा थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी ने कार्यक्रम देखा तो कृपया शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। करेंगे ना, करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं सेटल हो जाऊँ, ये टेक ओवर की प्रोसेस चल रही है, उसके बाद करूँगा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा, इलेक्ट्रिक दिवाली का सब कर लूँगा, अभी 3 बिल्डअप कर रहा हूँ। SSB का डालेंगे भी करते हैं, SSB का डालेंगे, हाँ डालेंगे ना, बिल्कुल डालेंगे, आपके साथ हमेशा रहेगी। नहीं वो तो मुझे पता है, आपके साथ लगा रहे हैं, आपने बुलाया।